अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं, जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी आती है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और समटाइम ऐसा होता है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी आती है ना रिजल्ट में, वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फोर्स, ठीक है, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी आती है वो हमारे पास आता है वर्क, और वर्क है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से जो है, अब फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है, जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी आई है वो वर्क है, और वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरह जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है टॉर्क, और टॉर्क जो है हमारे पास वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें प्रूव हुआ कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो स्केलर भी हो सकती है, और जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो थर्ड क्वांटिटी हमारे पास आती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी डिफाइन। तो जैसे कि हमने लिखा कि जब हमने दो क्वांटिटीज़ को आपस में जो इनका प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, तो हमारे पास आया था वर्क, तो इसको कहा था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो यहीं से फिर हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। इफ दी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, then the product is called scalar product। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल जो हमने की कि हमने दो वैक्टर क्वान्टिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आया वर्क, तो ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी वर्क। तो यही सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन को जब हम इसके जो है वो हल कर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखेंगे, उसके बाद जो है हमने फिर इसकी हेडिंग देनी है एग्जांपल की। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि जब हमने फोर्स को डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमारे पास जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मज़ीद जो इसकी एग्ज़ाम्पल कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क और फोर्स, और जब वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है पावर। ठीक है, दोनों हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसका फार्मूला, कि जो इसका फार्मूला है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम ना दूसरा नेम भी देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों डॉट प्रोडक्ट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जब थर्ड स्केलर क्वांटिटी आती है ना, तो उन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था, जिनका प्रोडक्ट लिया था, उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए ना हम जो है मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करते, ये वाला साइन यूज़ नहीं करते हम, बल्कि जो साइन यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है डॉट।
ये मेथड है हमारे पास जो है ना स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का, जो हमारे पास वर्ड वर्ड मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास आपने देखना है कि जब आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड आपके पास अगर स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो आपने जल्दी से फिर उन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान डॉट पुट कर देना है, ठीक है। ना तो उनको बिल्कुल खाली रहने देना है, ऐसे ब्रैकेट भी नहीं लगानी, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट भी नहीं लगानी और ना ही आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है। आपने जब भी देखना है कि मेरे पास जो थर्ड है वो स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो आपने जल्दी से उनके दरमियान में डॉट पुट कर देना है। डॉट जो है हमारे पास ये वर्ड वर्ड मेथड है स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इसलिए जो स्केलर प्रोडक्ट है ना इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे हमारे पास बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने ड्रॉ करना है एक वैक्टर ए है आप हमारे पास, ठीक है। हमने कहना है कि हमने सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए है, इसके ऊपर जो है ना वेक्टर बी को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मेरे पास बन रहा है एक एंगल थीटा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया है वेक्टर ए, लेट्स वी हैव टेक द वेक्टर ए एंड देन वी ड्रॉ द वेक्टर बी एट ए इन सच अ वे डेट दे मेक एन एंगल थीटा अमंग बिटवीन दैम, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे के दरमियान क्या बनाया हमारे पास एंगल थीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी। तो इसके फॉर्मूले के जब हम डॉट को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है हम कहते हैं ए बी कॉस थीटा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए जो है हमारे पास ये पहला जो वेक्टर होता है ना इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और जो दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास प्रोजेक्शन को जो है ना वो शो करता है कि मेरे पास ना प्रोजेक्शन है। इसलिए जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको हम डिस्कस करते हैं ना तो हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। ये क्यों हम यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो हम ले सकते हैं बी के अगर हम इसके कंपोनेंट से ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन में होगा फिर इसका हमारा बी वाई कंपोनेंट, ठीक है, और इस वाली डायरेक्शन में होगा इसका हमारे पास बी एक्स कंपोनेंट। जो इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स के अलोंग हमारे पास, तो ये होगा ना हमारे पास बी एक्स और ये होगा हमारे पास बी वाई, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये हमारे पास हमने आ रहा था एंगल थीटा। तो जब भी कोई क्वांटिटी हमारे पास एंगल बनाती है ना, हम वेक्टर कोई भी एंगल बनाते हैं तो जल्दी से हम उस वेक्टर को क्या करते हैं उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कर लिया बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व। अब ये वाला जो है हमारे पास इसकी यहाँ पे जो है ना इसको हमने नहीं देखना है, इसकी कोई भी ना हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है। सेकेंड हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले हमने ली है ए की मैग्नीट्यूड, सेकेंड ये बी के साथ कॉस थीटा है, तो वो कैसे आया बी के साथ कि हमने बी की प्रोजेक्शन ली है और बी की प्रोजेक्शन जो है हमारे पास वो आई है ए वाली लाइन पे और ए जो है हमारे पास वो एक्स के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं, कॉस थीटा वाला। तो इसलिए हम लगाएंगे बी के साथ कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि हमने ली है बी की प्रोजेक्शन, तो बी की प्रोजेक्शन हमारे पास ए के ऊपर ही आ रही है ना, प्रोजेक्शन मीन साया हमने लिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बी का साया यहाँ पे बन रहा है ना ए पे, तो ए जो है हमारे पास वो एक्स के लॉन्ग है, तो इसलिए हमने लगाया है बी के साथ कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करते हैं, जो बी है इसके हम लेते हैं प्रोजेक्शन किसकी, बी की, ठीक है, किसके ऊपर हम लेते हैं ए के ऊपर, ऑन ए। तो इसीलिए जो है हम इसके फॉर्मूले में भी यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास आता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देते एक दूसरे के साथ, अगर हम इनकी जो है वो पोजीशन को अब चेंज कर लेते हैं, हम कह देते हैं बी डॉट ए है हमारे पास, तो फिर हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले हमारे पास पहला वैक्टर बी है ना, तो हम कहेंगे कि हमने सबसे पहले लिया है वैक्टर बी, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है वेक्टर ए को इस तरह से कि वेक्टर ए ने बनाया है बी के साथ एक एंगल थीटा। तो फिर दोबारा से हम बी जो है पहला वेक्टर है, तो पहले वेक्टर की हम लेंगे मैग्नीट्यूड हमारे पास, ठीक है। अगर पहले हम इसको लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा बी ए कॉस थीटा। तो जो पहला वेक्टर है उसकी आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो वेक्टर ए है ए की प्रोजेक्शन लेनी है, तो अब ए की प्रोजेक्शन हमारे पास बी वाले वेक्टर की लाइन पे आएगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो दोबारा से हमारे पास फिर ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले की। नेक्स्ट हम जो है स्केलर प्रोडक्ट इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले जो है ना वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमारे पास ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को, सबसे पहले है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स में कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ स्टूडेंट्स हम बोलते हैं किसी भी चीज़ जो कोई भी हमारे पास क्वांटिटीज़, अगर हम कह रहे हैं हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दो चीज़ें अगर हमारे पास हो, उनका हमने प्रोडक्ट लिया है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हमने पहले लिया ए डॉट बी और वो आया हमारे पास ए बी कॉस थीटा के इक्वल, तो अगर हम उनको जो है आपस में रिप्लेस करेंगे ना, उनकी जगह चेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, हम कर लें बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, तो अगर उनके जो है हमारे पास दोनों के प्रोडक्ट सेम आएंगे ना, प्रोडक्ट की वैल्यूज हमारे पास सेम आएंगी, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ें जो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो जब हमने उनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर लिया लेकिन उनके प्रोडक्ट पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो हमारे पास रहे सेम, तो फिर तब हम कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास ओबे करती हैं कम्यूटेटिव लॉ को। तो इस तरह से हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, ये भी हमारे पास ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कैसे, हम कहते हैं कि हम जब ए डॉट बी लेते हैं ना, तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। इसी तरह जब हम लेते हैं ना बी डॉट ए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा के। अब हमारे पास हुआ क्या है, जस्ट हमारे पास इनकी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है रिप्लेस हुए, इनकी जगह हमारे पास चेंज हुई है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास वो और कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने जब इनका प्रोडक्ट लेंगे ना, तो जो इसकी भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जितना यहाँ पे एंगल हम पुट करेंगे ना जब इसको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे भी हम उतना ही एंगल पुट करेंगे। तो जब हमारे पास एंगल सेम रहेगा ना, तो इनका इसका मीन है कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना इन दोनों का, वो भी हमारे पास सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम इस कह देते हैं कि हमारे पास अगर हम ले लें ए डॉट बी, ठीक है, इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास इक्वल होता है ये बी डॉट ए के, ठीक है। तो जब इन दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि ये फिर ओबे करते हैं हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, और दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर मीन के राइट एंगल है एक दूसरे के ऊपर, कि हमारे पास जो दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जब हम इनका जो है स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी, और ये आ जाएगा हमारे पास ए बी कॉस थीटा के इक्वल, और यहाँ पे हमने कहा कि हमारा थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम फिर पुट कर लेते हैं 90 डिग्री, तो ए बी कॉस 90, और जो है हमारे पास कॉस 90 वो इक्वल होता है ज़ीरो के, तो इसको हम अब पुट कर लेते हैं। तो ये जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ज़ीरो, लेकिन क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ के, तो हम इसके ऊपर भी लगाएंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो वेक्टर है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, अगर स्केलर प्रोडक्ट दो है हमारे पास और वो परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्ट आएगा हमारे पास नल वैक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर इज़ आ नल वैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी थर्ड करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया है, लेकिन वो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो फिर जो है हमारे पास रिजल्ट हमारा क्या आएगा, उसको हम देख लेते हैं।
तो पैरेलल वेक्टर्स हम कहते हैं कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों, अगर वो सेम डायरेक्शन में हों और उनकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास इक्वल हो, तो हम ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कि हमारे पास फिर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर। तो दोनों जो है हमारे पास वेक्टर अब सेम डायरेक्शन में है, तो इट्स मीन हमारे पास अब एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो अब हमारे पास कॉस कितना है, 0 डिग्री। तो अब हम 0 डिग्री को पुट करते हैं, ए बी कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री और हमारे पास जो कॉस 0 है वो होता है 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी कॉस 0 जो है वो है हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, इसका क्या आ गया रिजल्ट, ए बी। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, के पहले वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड है हमारे पास और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम दो वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं और वो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है हमारे पास। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लेकिन वो एंटी पैरेलल हैं, तो फिर हमारे पास उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम ऐसे कहते हैं ना कि हमारे पास दो वेक्टर हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास इक्वल होती है, बट डायरेक्शन एक की क्या होती है, दूसरे की रिवर्स होती है, जो है वो एक दूसरे के जो है रिवर्स डायरेक्शन में होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास कौन से होते हैं, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल जब हो वेक्टर हमारे पास, तो ये एक सीधी लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन का एंगल जो है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम इसको पुट करके देख लेते हैं, फिर ए बी कॉस थीटा और थीटा हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल और हमारे पास कॉस 180 होता है -1 के इक्वल। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है तो इनकी मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ में हमारे पास नेगेटिव का साइन भी है। तो फिर हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कि जितनी इनकी मैग्नीट्यूड होगी लेकिन वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम डिस्कस कर लें कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके केस में हमारे पास ये सारी सिचुएशन कैसे होंगी, तो सेम हमारे पास यही सब कुछ होगा कि जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, अगर हम कहेंगे कि हमारे पास यूनिट वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है यहाँ पे आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है हमारे पास जे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। तो दोबारा से फिर हम सिंपल वही पुट करेंगे कि आई डॉट जे जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर, इनका जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आई जे कॉस थीटा और दोबारा से जो है हमारे पास थीटा वो किसके इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री के। तो कॉस 90 हमारे पास 0 के इक्वल था, तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है हमारे पास आई डॉट जे का वो भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इनके केस में भी सेम, कि यूनिट वेक्टर के अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के, या फिर इसके ऊपर हम वेक्टर डाल दें तो फिर है हमारे पास नल वेक्टर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि आई डॉट जे है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 0 के। तो इसी तरह अगर हम जे डॉट के लेंगे तो वो भी आएगा हमारे पास 0 के इक्वल। इसी तरह अगर हम k डॉट i ले लें तो वो भी आएगा फिर हमारे पास 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल सिस्टम है ना हमारे पास, तो डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास जो तीनों एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही होती हैं, x, y, z, और x के अलॉन्ग हमारे पास i है, y के अलॉन्ग यहाँ पे हमारे पास j है और z के अलॉन्ग है k। ठीक है, तो दो तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सिंपली हम कहेंगे कि अगर a का प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आया है, ये नल वेक्टर आया है, तो जो दूसरे
हैं क्योंकि वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर उनका भी हमारे पास जीरो के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपली फिर लिख लेते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर हैं हमारे पास लेकिन अब जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर पैरेलल का अभी हमने डिस्कस किया है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास जब हम यूनिट वेक्टर का लेते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट अगर वो पैरेलल होते हैं तो वो ना हम लिखते हैं कि फिर हमारे पास वन के इक्वल है। वो कैसे वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे आई डॉट आई हम ले रहे हैं, तो ये है हमारे पास आई आई कॉस थीटा। जब हमने लिया था स्केलर प्रोडक्ट का, जब उनको हमने पैरेलल रखा था तो हमने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, ऐसे ही था ना। जब हमने ए डॉट बी लिया था इनका, जब हमने पैरेलल वेक्टर इसके लिए लिया था तो हमने कहा था कि ये ए बी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो है हम ये नहीं कहेंगे कि ये अब आई के इक्वल है, बल्कि हम कहेंगे ये हमारे पास वन के इक्वल। वन के इक्वल कैसे कि पैरेलल है, तो सबसे पहले कोस तो हम पुट करें ना कि हमारे पास जीरो डिग्री है, और कोस जीरो डिग्री तो हमारे पास वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, फिर हमारे पास आया वन। अब यहाँ पे हमारे पास आई और आई है ना, तो हम फिर कहते हैं कि हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम क्या कहते हैं हमारे पास वन होती है, यूनिट मीन वन, तो आई जो है वो भी हमारे पास वन है, और यहाँ पे जो आई है वो भी वन है, और ये यहाँ पे जो कॉस जीरो आया वो भी हमारे पास वन के इक्वल है, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो वन आया। अब यूनिट वेक्टर के केस में क्यों वन, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के हम डेफिनेशन में ये कहते हैं वेक्टर्स विच हैज़ वन मैग्नीट्यूड, या हम कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड ही हमारे पास यूनिट होती है, और यूनिट मीन के वन ही होता है हमारे पास, तो इसलिए हमने सिंपली यहाँ पे वन पुट कर देना है, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो वन के इक्वल ही आएगा। तो इनको अब हमने डिस्कस कर लिया कि यूनिट वेक्टर केस में कैसे होगा। इसके बाद जो इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना हमारे पास वो ये है, हम कहते हैं कि अगर हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो अगर हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, तो ए डॉट बी हमारे पास ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ए के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो हम कंपोनेंट्स जो है लेंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, यही कहते हैं ना हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन, हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होते हैं, तो हम उनको कहते हैं हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बी के लेंगे तो हमारे पास आएगा बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी, ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास। तो बस सिंपली हम यहाँ पे जो है इनकी जगह पे फिर ये इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इनका हम ले लेंगे फिर डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास जो है इनका इक्वल आएगा, इन सबको अगर हम सम कर लेंगे तो उसके इक्वल आएगा। तो ए का सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, अब डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे भी फिर क्या पुट करना है, डॉट ही पुट करना है। उसके बाद बी वेक्टर है, तो बी के जो हमने राइट एंगल जो है इसके कंपोनेंट्स लिए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे बी जी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम इसलिए, और यहाँ पे फिर ए जी और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास बी जी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू ए डॉट बी की, तो फिर ये वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, तो फिर हम इसको पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। तो क्या आई थी हमारे पास इसकी वैल्यू इन दोनों की, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ठीक है, और साथ में जो है ये जिसके इक्वल आ रहा है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको साथ में हम राइट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है इसकी, अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली फिर हम क्या करेंगे, इसको वैसे लिख लेंगे, और जो है डायरेक्शन के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास फाई होता है, और फाई हम बोलते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है टैन इनवर्स के, ठीक है, ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले में डिस्कस किया हुआ है कि टैन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, यही से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना,
तो हमारे पास जो है फिर cos theta इसके इक्वल आएगा, और इसको उठा के हम सिंपली इसके नीचे ले आएंगे जिनकी मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से फिर अगर हमने मज़ीद सिर्फ इसकी एंगल फाइंड करना है तो फिर सिर्फ थीटा को हम यहाँ पे रहने देंगे, cos भी इधर आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम फिर यहाँ से इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर साथ cos लगा देंगे तो ओवरऑल इसकी डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो है आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है।